Like a Hellcat. Hello everyone, welcome again. This is Vinay Pandey here again. Students, beta and gamma function का आज fourth lecture है. तीन lectures हम पहले ही कर चुके हैं. Beta function की definition से लेकर के beta function का conversion, beta function की first form, उस पर based numericals, ये हमने पिछले तीन videos में किया कर चुके हैं हम. तो जो student भी वो पुराने तीन videos देखना चाहता है वो description में लिंक से देख सकता है उन वीडियोस को, क्योंकि उन वीडियोस से ही आप आगे के वीडियोस को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे. तो बीटा फंक्शन की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? बीटा फंक्शन जो हमने पढ़ा था, बीटा mn को हमने क्या लिखा था? 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, जहाँ m और n दोनों क्या थे? पॉजिटिव थे. ये डेफिनेशन हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी और इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स करे थे. आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम अभी हमने जो बीटा फंक्शन की फॉर्म पढ़ी थी वो जीरो से वन इंटीग्रेशन की पढ़ी थी. अब हम बीटा फंक्शन की दूसरी फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? बीटा एम एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स. बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ चुके हैं. दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, एक तो बीटा फंक्शन इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, और दूसरा हमने बीटा फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था फैक्टोरियल टर्म्स में. ये सब हम पहले के प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. इस फॉर्मूले का आज हम प्रूफ करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसके. तो इसका आइए प्रूफ देखते हैं. बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स. इसी फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करेंगे हम, और इसी फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे. तो इस इंटीग्रेशन में आपको एक स्टेप ये याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन क्या रखना है इसमें. हम सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई. इस सब्स्टिट्यूशन को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन है जिसमें आप लिमिट को जीरो से इन्फिनिटी बना सकते हैं. और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई. डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके मैंने इसमें वैल्यू, इसको एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो गया, और ये वन प्लस वाई ऊपर जाकर के पावर माइनस वन होगी. डिफ्रेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं इसका. तो बीटा एम एन क्या बन जाएगा? देखिए आप, एक्स की जगह पे क्या आएगा? वन अपॉन वन प्लस वाई की होल पावर एम माइनस वन. डी एक्स की जगह पे सॉरी, वन माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा? वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर एन माइनस वन. और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का डी वाई अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर. जब आप एक्स की लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे तो वन अपॉन वन प्लस जीरो कितना आ जाएगा? वन, वाई की लोअर लिमिट. और हायर लिमिट में क्या होगा? जब आप इसमें एक्चुअली हमको वाई की लिमिट निकालनी है, तो वाई की लिमिट निकालने के लिए आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन अपॉन एक्स. रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसमें, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वन वहाँ माइनस में जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स. एक्स की लोअर लिमिट कितनी है? एक्स की लोअर लिमिट है जीरो. आप जीरो रखिए यहाँ पे, ये वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा? वन. और वन अपॉन जीरो कितना होता है? इन्फिनिटी. तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो गई. और हायर लिमिट आप देखिए, एक्स की जगह पे हमको क्या रखना है? वन. वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो अपॉन वन कितना हो जाएगा? जीरो. तो एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे रखा है जिस सब्स्टिट्यूशन से आपको लिमिट क्या मिल गई? इन्फिनिटी और जीरो की लिमिट मिल गई. और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. और दूसरा, वन प्लस वाई की पावर, यहाँ देखिए आप, वन प्लस वाई की पावर कितनी है? एम माइनस वन यहाँ है. और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो वन प्लस वाई माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर कितनी है यहाँ पे? एन माइनस वन. और डी वाई अपॉन कितना है? वन प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो ये स्टेप्स हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है. अब आगे के स्टेप्स देखिए.
जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो गया, ये वन से वन कैंसिल हो गया, वाई की पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस वन। वन प्लस वाई की पावर देखिए आप कितनी होगी, वन प्लस वाई की पावर हो जाएगी एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन प्लस टू इन टू डी वाई। तो वन प्लस वाई की पावर को सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब आगे देखिए इसमें, जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर कितनी होगी, देखिए आप ये टू कैंसिल हो जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लास 12th में आपने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी कि अगर आप वेरिएबल को कोई दूसरे वेरिएबल से चेंज करते हैं तो उस इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो एक्स की पावर एन माइनस वन, वन प्लस वाई की पावर एम प्लस एन डी वाई। आपको पता है बीटा फंक्शन क्या होता है, एक सिमेट्रिक फंक्शन होता है, तो एम और एन को इंटरचेंज करने पे भी बीटा फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वन प्लस वाई की पावर एम प्लस एन डी वाई हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक फंक्शन। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, वन प्लस, सॉरी ये नीचे वाला वेरिएबल मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ भी एक्स आ जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, और ये डी वाई क्या बन जाएगा, डी एक्स। वाई हो, सॉरी यहाँ पे भी ये चेंजेस, ये मैंने वाई के टर्म्स में ही रहने दिया, तो वाई के टर्म्स में रहने देते हैं इसको। तो ये जो स्टेप है, वाई के टर्म्स में अगर आप कोई भी इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वेरिएबल से कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। तो ये बीटा फंक्शन का नया फॉर्मूला है जीरो से इन्फिनिटी के टर्म्स में, और न्यूमिनेटर में पावर एम हो या एन हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीटा फंक्शन क्या होता है, एक सिमेट्रिक फंक्शन होता है। तो आप किसी भी फॉर्म में उस फंक्शन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बीटा फंक्शन के हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, एक जीरो से वन इंटीग्रेशन वाला और एक जीरो से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन वाला। अब आइए इसका कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, प्रूव दैट जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेर एम एंड एन आर पॉजिटिव। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप इसकी, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। आप देखिए फॉर्मूला अभी अभी प्रूफ किया था हमने, ये बीटा एम एन का फॉर्मूला है, और मैंने आपको बताया था कि न्यूमिनेटर में पावर एन हो या एम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उस फॉर्म में इंटीग्रेशन यहाँ पे चाहिए। तो ये भी किसका फॉर्मूला बन गया, बीटा एम एन का, और बीटा एम एन से बीटा एम एन कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी इजी है, आपको सीधे बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है और सीधे ये टर्म्स कैंसिल होकर के क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। आइए इसी तरीके का कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं हम, कुछ उसी तरीके से न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीन न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट दो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, ये आप क्योंकि ये दोनों सिमिलर न्यूमेरिकल्स हैं, आपको एक न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करिए। पहला न्यूमेरिकल देखिए, तीनों जो न्यूमेरिकल हैं वो आप देखिए लिमिट क्या है इसमें, जीरो से इन्फिनिटी बीटा फंक्शन की दो लिमिट्स हमने पढ़ ली हैं, एक जीरो से वन वाली और एक जीरो से इन्फिनिटी, जो मैंने आज आपको प्रूफ करके बताई। जीरो से इन्फिनिटी वाले लिमिट में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसको आपको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे ए प्लस बी एक्स दिया हुआ है, और ए प्लस बी एक्स अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उससे कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे वन हमको पहला वाला टर्म क्या चाहिए, वन चाहिए। तो इसका मतलब एक्स की जगह पे हमको क्या रखना होगा, ये बी एक्स की जगह पे हमको एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखना होगा ताकि ए कॉमन आ जाए, ए कॉमन आ जाए और पहला टर्म क्या बन जाए, वन बन जाए। तो जो पहला न्यूमेरिकल है
इसमें आप देखिए जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन ए प्लस बी एक्स एम प्लस एन, तो एक ऐसा सब्सटीट्यूशन रखना है कि जो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और लिमिट में कोई चेंज ना आने दे, क्योंकि लिमिट आपको जीरो से इन्फिनिटी पहले से दी हुई है। तो क्या करेंगे हम इसमें, पुटिंग बी एक्स इक्वल टू ए वाई, क्यों किया, क्योंकि ए अब कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और बी डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया ए डी वाई। लिमिट में आप देखिए जीरो रखेंगे तो जीरो रहेगा और इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी रहेगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जीरो से इन्फिनिटी एक्स कितना हो जाएगा ए अपॉन बी वाई की पावर कितनी हो गई एम माइनस वन अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स की जगह पे हम क्या रख रहे हैं ए वाई, और इसकी पावर क्या है एम प्लस एन, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए अपॉन बी डी वाई। सब्स्टिट्यूशन रख दिया हमने। अब आप देखिए यहाँ ए की पावर कितनी है एम माइनस वन, और यहाँ ए की पावर कितनी है वन ऐड हो जाएगी, और नीचे देखिए आप पहले बी की पावर देख लेते हैं, बी की पावर कितनी है एम माइनस वन और प्लस वन, और एक ए जो हम इसमें से कॉमन लेंगे तो बाहर पावर कितनी आ जाएगी ए की पावर एम प्लस एन। अब आप देखिए अंदर क्या बच रहा है, अंदर बचेगा वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, और क्या बच रहा है डी वाई। देखिए वन से वन कैंसिल हो गया, ए की पावर एम भी इसमें कैंसिल हो जाएगी, तो ए की पावर अगर एम कैंसिल होगी कितनी पावर बचेगी, ए की पावर एम इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो ए की पावर एन बचेगी नीचे, और यहां ये वन से वन कैंसिल हो गया, बी की पावर एम बच रही है। और ये इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करिए आप, मैंने आपको पहले भी बताया वेरिएबल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसमें, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बीटा एम एन का। तो इस इंटीग्रेशन को बड़े इजीली हमने बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया एक सब्स्टिट्यूशन से बस। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ऐसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जीरो से इन्फिनिटी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर एट अपॉन वन प्लस एक्स की पावर ट्वेंटी फोर डी एक्स, ये अलग कर दिया। जीरो से इन्फिनिटी दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर फोर्टीन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर कितनी हो गई ट्वेंटी फोर डी एक्स। अब देखिए जीरो से इन्फिनिटी आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है एम माइनस वन, तो एट को हम क्या लिख सकते हैं नाइन माइनस वन, तो इसका मतलब एम की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है नाइन, तो आपको क्या करना है 24 को 9 प्लस और कितना बचेगा 15, ये लिख दिया आपने डी एक्स जीरो से इन्फिनिटी। इस पावर को आप देखिए इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे 15 माइनस वन, और अपॉन में आपको क्या करना है 1 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस और कितना बच रहा है 9 डी एक्स। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया देखिए आप, बीटा फंक्शन का, बीटा 9,15 और ये बन रहा है बीटा 15,9। बिकॉज बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, तो इस 15,9 को हम फिर से 9,15 लिख सकते हैं, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आपको कितना मिल गया जीरो। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया जीरो। और इसी तरीके से जिस प्रोसीजर से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी प्रोसीजर से आपको ये इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए बिल्कुल इसी तरीके से। आज की वीडियो में बीटा फंक्शन की दूसरी फॉर्म हमने पढ़ी है, इसका जो अगला वीडियो होगा अब नेक्स्ट वीडियो से हम गामा फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में क्या रिलेशन है वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।